Hi everyone guys, this is our lecture for family. So supervisor exam की जो lecture series है वो तो हमने start कर दिया और बहुत जल्द हम online test जो हैं वो भी start करने वाले हैं जैसे first unit ख़त्म होता है. So वो सारे friend जो online test देना चाहते हैं so उनको सिर्फ और सिर्फ एक membership जो है वो join करनी होगी जो social welfare के लिए स्पेशली हमने क्रिएट किया है. सो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो आप स्क्रीन पे देख रहे हो व्हाट्सअप नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर भी है 7006332724 पे आप मैसेज करो या सिंपल कॉल करो. आप मैं आपको प्रोसेस बता देंगे कि आपने क्या करना है. एक छोटा सा अमाउंट पे करना है अपने मेंबरशिप के लिए वो आपको पूरा बता देंगे. ओके सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली कि फैमिली आप सबको पता है आई डोंट थिंक कि दिस इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन बट फिर भी मैं आप सबके साथ एक डेफिनेशन हो गया इसकी एक्सप्लेन करूंगा ताकि जिन बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ फैमिली को लेके उनको क्लियर हो जाए. फैमिली एक सिंपल सी चीज़ है मतलब एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है हमारे सोशल स्ट्रक्चर का. सोशल स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी जो है इसमें जितने भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं मतलब हर एक ऐसा तो नहीं कह सकते सिर्फ अपीयरेंस को लेके सिमिलरिटी हो सकती है मतलब फिज़िकली बॉडी को लेके सिमिलरिटी हो सकती है. बाकी डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनके डिफरेंट नॉर्म्स हैं जो डिफरेंट तरह के जो है ट्रेडिशन वैल्यूज़ को परफॉर्म करते हैं. सो इन दिस वे हम लोग कह सकते हैं कि वो डिफरेंट सोशल ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिलकर सोसाइटी बनाते हैं. तो फैमिली जो है ये सोशल स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. समझ आया. नेक्स्ट कहता है जो वर्ड है ना फैमिली का वो लिया गया है फैमिलस वर्ड से जो एक रोमन वर्ड है और जिसका मतलब होता है सर्वेंट. ठीक है आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है लैटिन वर्ड है या पुर्तगीज वर्ड है या रोमन वर्ड है जो फैमिली वाला वर्ड है. और कभी कभी ये भी आ सकता है कि मीनिंग क्या है इसका. ठीक है तो इसका मीनिंग जो है वो सर्वेंट है. और नेक्स्ट कहता है कि अकॉर्डिंग टू रोमन लॉ जो मीनिंग है वर्ड फैमिली का उसका मतलब होता है एक ग्रुप जिसमें सारे सर्वेंट हो गया स्लेव हो गया जो ऑनर्स हो गए मतलब सिंपल ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है जिनको इंक्लूड किया जाता है जो बेस्ड हो किस पे या तो ब्लड रिलेशन पे या मैरिटल रिलेशनशिप पे. मतलब कि अकॉर्डिंग टू रोमन लॉ फैमिली कहा जाता है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों एक दूसरे से बिलोंगिंग रखते हों चाहे वो खून का रिश्ता हो चाहे वो मैरिटल रिलेशनशिप होता है कि शादी वाला रिश्ता जो होता है ना उसको कहते हैं मैरिटल रिलेशन या उसके थ्रू. नेक्स्ट कहता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रुप इन विच सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल आर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. कहते हैं कि एक ग्रुप है यहाँ पर मेल फीमेल की जो सेक्सुअल नीड है उसको सोसाइटी द्वारा सेंक्शन किया जाता है. ठीक है इस ग्रुप में. तो नेक्स्ट कहते हैं कि आफ्टर अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड जब बच्चे पैदा हो जाते हैं देन उसके बाद ही बिकम द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी. उसके बाद वो सोसाइटी का सिटीजन जो है वो बन जाता है. ठीक है आई होप आपको समझ आ गया होगा फैमिली क्या है. इसके नोट्स मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिए हैं जो डिटेल में हैं. एक्चुअली फैमिली और मैरिज देन किनशिप ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है. कहने का मतलब कि अगर मैं फैमिली या मैरिज के बारे में बोलूँ तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी कम्प्लेक्स चीज़ है जो आपको पता नहीं होगी सबको पता होती है. लेकिन फिर भी सोशियोलॉजिकली वर्ल्ड में इन चीज़ों का क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए. इसीलिए मैंने ये नॉर्मल वर्ड्स नॉर्मल लाइंस नॉर्मल डेफिनेशन जो है आप लोगों से शेयर किया ताकि छोटी सी छोटी चीज़ आपके दिमाग में घुस जाए. ओके सो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की. तो मैं कई बार जो है उसके अकॉर्डिंगली फैमिली जो है ग्रुप जो डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली ओके प्रिसाइज एंड एंड्यूरिंग टू प्रोवाइड प्रोकेशन ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड. ठीक है अब इसका मतलब यही हो गया कि जैसे मैंने पहले बताया कि सोसाइटी सेंक्शन करती है सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन मेल और फीमेल के बीच. ठीक है और उसके बाद जो प्रोक्रिएशन होता है चिल्ड्रंस का. ठीक है नेक्स्ट जीपी मुर्डॉक कहते हैं कि जो फैमिली है एक सोशल ग्रुप है जो करैक्टराइज्ड बाय
कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक, कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। सोशल ग्रुप है जो करेक्टराइज करता है, मतलब जिसके फीचर्स हैं, मतलब जिसमें ये विशेषताएं होती हैं, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट कि एक कॉमन रेजिडेंस होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होती है आपस में और रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो ये बाकी जितने भी डिफिनेशन हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको सेंड कर दिए। तो फैमिली का मतलब जो है वो सेम ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स की। तो जो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स है इसका, वो है फैमिली इज़ अ यूनिवर्सल ग्रुप। ऑब्वियसली यूनिवर्सल ग्रुप मतलब फैमिली को आप हर जगह पाओगे, हर किसी भी सोसाइटी में, वर्ल्ड की किसी भी सोसाइटी में चला जाओ, वहाँ पर फैमिली सिस्टम जो हो गया होगा, फैमिली ग्रुप हो गए होगा। नेक्स्ट है इमोशनल बेस। इमोशनल बेस मतलब कि यहाँ पर जो फीलिंग, वो कोऑपरेशन हो गया, लव सिंपथी जो होता है, वो इस ग्रुप में डेवलप होता है एक फैमिली एक दूसरे के लिए, जो फैमिली मेम्बर्स ग्रुप हो, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। फॉर्मेटिव मतलब फॉर्मेशन से वर्ड बना हुआ, फॉर्मेटिव फॉर्म करना किसी चीज़ को, और इन्फ्लुएंस मतलब कि जो हम जितने भी बच्चे होते हैं, एक्चुअली कहते हैं कि फैमिली जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो नॉलेज गेन करते हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको सारी चीज़ें जो है वो घर पे ही सिखाई जाती हैं, फैमिली द्वारा ही सिखाई जाती हैं, ओके। इसलिए ये फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है स्मॉल इन साइज, मतलब कि जो साइज़ होता है फैमिली का वो लिमिटेड होता है, बिकॉज ओनली दोज पर्सन आर इंक्लूडेड इन इट हु आइदर टेक बर्थ इन इट एंड हैव मैरिटल रिलेशनशिप। कहते हैं कि जो फैमिली में जो साइज़ होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जो उसमें पर्सनस होते हैं, या तो वो मतलब जन्म ले यहाँ पे फैमिली में वो मेंबर्स होते हैं, या मैरिज की वजह से जो रिलेशनशिप बनते हैं उनकी वजह से वो मेंबर बनते हैं। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब स्ट्रक्चर जो फैमिली में है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। पहली जो टाइप्स है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, ठीक है। फैमिली में बेसिस ऑफ मैरिज पे फैमिली किस तरह से होती है। एक होती है मोनोगैमस, जिसमें क्या होता है कि एक मेल जो है वो सिंपल एक ही फीमेल से शादी करते हैं, उस फैमिली को कहते हैं मोनोगैमस। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। मोनोगैमस किस फैमिली किसको कहते हैं, पॉलीगैमस किसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलीगैमस, जिसमें एक जो मेल है वो मैरी करता है वन फीमेल या एक से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीएंड्रस फैमिली, जिसमें क्या होता है कि एक फीमेल मैरी करती है मोर देन वन मेल से, ठीक है, उसको पॉलीएंड्रस मैरिज हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका पॉलीगैमस, जिसमें एक मेल जो है मैरी करता है मोर देन वन फीमेल, देन इट इज़ नोन एज पॉलीगैमस, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी, नेक्स्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और वो पढ़ा हमने ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, और ये आ गया नंबर। नंबर्स में एक दो आ गया आपका न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें स्मॉल इन साइज जो बहुत स्मॉल फैमिली होती है। नेक्स्ट आ गया जॉइंट फैमिली, जिसमें सारे मेंबर्स जो होते हैं फैमिली को वो जॉइंट रहते हैं। देन आगे एक्सटेंडेड फैमिली, दिस टाइप ऑफ फैमिली जनरली मेड ओनली आफ्टर एंड विद द हेल्प ऑफ जॉइंट फैमिली। मतलब ये जो फैमिली है ये सिर्फ जॉइंट फैमिली की हेल्प से बनती है, एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। द एडवांस स्टेज ऑफ जॉइंट फैमिली इज नोन एज एक्सटेंडेड, जो एडवांस स्टेज है जॉइंट फैमिली की उसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, ओके। सो ये था हमारा फैमिली, और फैमिली की बाकी जितने भी प्रॉपर नोट्स हैं वो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर तो ज़रूर करना, और आप में से जो भी मेंबरशिप लेना चाहता है वो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मैसेज करें, और जल्दी से जल्दी ले, क्योंकि बहुत जल्द टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक यू गाइस, बाय।